ओवल होता है, कभी को राउंड होता है, कभी को फेस पर थोड़ा फैट होता है। अगर आपके छोटे पैचेस है लगाएं, उसको मर्ज करें, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। आपको सोप कभी नहीं लगाना बियर्ड पे। ऊपर की बियर्ड है लाइट रखता हूं 1.5 से 2 नंबर, नीचे की थोड़ी है। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan Singh Rao, your own the formal edit. आज हम बात करने जा रहे हैं घर पे स्टेप बाय स्टेप बियर्ड को कैसे सेट करते हैं, बट एज पर योर फेस शेप, मतलब कहीं का ओवल होता है, कहीं का राउंड होता है, कहीं का फेस पर थोड़ा फैट होता है, उसको निखार के कैसे लाए, क्या बेस्ट आपके ऊपर बियर्ड स्टाइल जाएगा, कहीं पे कम अच्छी लगती है, कहीं पे हैवी अच्छी लगती है, कहीं की पैची बियर्ड आती है, उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस 6 to 7 minutes, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बात करते हैं बियर्ड हेल्थ के बारे में। जब तक अंदर से वो स्ट्रांग और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो बाहर से क्या, वो हमेशा डल रहेगी, आपको खुजली रहेगी, इचीनेस, बियर्ड डैंड्रफ होगी, बाल टूटते हैं, बाहर से शाइन नहीं करेगी। तो करना क्या है आपको, आपको सोप कभी नहीं लगाना बियर्ड पे, एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवॉइड करने हैं, और जब आप फेस वॉश करें, केमिकल वाले फेस वॉश नहीं, बिल्कुल केमिकल फ्री फेस वॉशेस पे वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं। आपको केमिकल फ्री फेस वॉश यूज करने हैं, वो कभी कभी रह जाता है बियर्ड के अंदर, तो 5 से 6 बार स्प्लैश करें, मेक श्योर कि वो बाहर निकल जाए, नहीं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अंदर। सो अच्छे से इस चीज का ध्यान रखें। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, वैसे आपको जो अपनी दाढ़ी के नीचे स्किन है उसको हल्का सा मॉइस्चराइज, हल्का सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है मसाज करके डेली, और तो और हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आपको थोड़ी सी इचीनेस या डैंड्रफ रहती है बियर्ड पे, तो क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपको क्या लेना है, योगर्ट, साथ में 1 से 2 बूंद आपको नींबू, ज्यादा नहीं लेना, बहुत हार्श होता है, और साथ ही आपको डालना है 2 चम्मच एलोवेरा। इसको 15 मिनट मसाज करें बियर्ड पे, लगा के रखें, 15 मिनट बाद इसको अच्छे से धो दें। जैसे हर हेयर स्टाइल हर फेस शेप पे नहीं जाता, कहीं पे वॉल्यूम, कहीं पे अंडरकट, कहीं पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, वैसे ही आपका बियर्ड स्टाइल हर आपके फेस शेप पे नहीं जाता। अब आपके फेस शेप के हिसाब से कैसी बियर्ड सूट करेगी, पहले आपको फेस शेप पता होना चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज करना है इस वीडियो में पूरा दे रखा है। अगर आपका ओवल शेप है सबसे पहली बात करते हैं, देन यू आर लकी, ऑलमोस्ट हर बियर्ड स्टाइल जाता है, क्योंकि इस पे राउंड और स्क्वायर जो शेप होती है दोनों के ट्रेड्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर चीज जाती है। और बेटर लगना है तो मुस्टैशेस बहुत अच्छी लगती है, बियर्ड स्टैश जिसमें मुस्टैश अभी साइड थोड़ी लाइट, वो बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ कंप्लीट लुक बहुत अच्छी लगती है, स्टबल बहुत अच्छी लगती है, ये स्टाइल्स आप रख सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर शेप की बात करते हैं हम, बहुत एजी फेस है आपका, ऑलरेडी बहुत कट्स होते हैं फेस पे, तो उसको थोड़ा स्मूथ करना होता है बियर्ड से, साइड्स लाइट रखेंगे, नीचे थोड़ा सा हैवी रखेंगे, वैन डायक स्टाइल रख सकते हैं आप, क्या चिन स्टैशेस, गोटी, एक्सटेंडेड गोटी, आप ये स्टाइल्स रख सकते हैं, आप पे बेस्ट सूट करेंगे। अब बात करें जिन लोगों को गोलमू होता है, राउंड फेसेस के लिए बेस्ट क्या है, हमारा पर्पस होता है उसको लंबा पतला दिखाना। विराट कोहली आपके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है, शॉर्ट बॉक्स बियर्ड कहते हैं, आप वैसे रख सकते हैं स्टाइल में। क्या होता है, साइड ऊपर से लाइट रखते हैं और कट्स बिल्कुल एंगल्ड रहते हैं, क्योंकि फेस पे ज्यादा एजेस नहीं है, गोलमू है, थोड़ा शार्प लगेगा फेस अगर आपने एंगल कट लगवाया, और नीचे से थोड़ा हैवी फेस लंबा लगेगा और पतला लगेगा। और हम एंकर स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, एंकर स्टाइल आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या बालबो स्टाइल ट्राई कर सकते हैं ये वाला, और साथ में क्या वैन डायक आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड शेप की बात आती है, डायमंड शेप कैसा होता है, ऊपर से माथा चौड़ा, आपकी चीक्स थोड़ी ज्यादा चौड़ी, और सबसे पतला क्या होता है, आपके नीचे जो चिन होता है बिल्कुल चोच सा निकल रहा होता है। अब उसको बैलेंस करना है, जो चोच निकल रही है कैसे करेंगे, हम बियर्ड से रख के उसको बैलेंस करेंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे, कौन सा स्टाइल, फुल बियर्ड बहुत अच्छी लगती है इन लोगों पे, और साथ ही साथ आप गोटी रख सकते हैं, लेकिन चोच वाली नहीं, बहुत मीडियम लेंथ की गोटी, और साथ में क्या आप एज पे पूरे बियर्ड रख सकते हैं, सिर्फ नीचे नीचे और साथ में सेंटर में हैवी। हार्ट और ट्रायंगल स्टाइल डिफरेंस समझिए, माथा दोनों का चौड़ा, दोनों के नैरो, मतलब हल्के से दबे हुए इनके चीक बोन्स, और डिफरेंस आता है कहाँ पे, यहाँ नोटिस करिए चिन्स में, यहाँ पे जो हार्ट है इसकी हल्की कर्व्ड होती है, और जो ये ट्रायंगल है इसकी क्या होती है, हल्की सी पैनी होती है। हार्ट स्टाइल है तो आप पे वर्डी स्टाइल सूट करेगा, हल्की तान वाली मूंछें, हैंडल बार मोस्टैच विद हल्की बियर्ड, और आपकी बॉक्स स्टाइल मतलब नीचे से थोड़े कट में हल्की हैवी बियर्ड, ये सूट करेगी। अगर आपका ट्रायंगल स्टाइल है तो क्या सूट करेगा आप पे, मटन चॉप सूट करेंगे आप पे, मटन चॉप के साथ नीचे साइड स्ट्रिप सूट करेंगे आप, थोड़ी सी हैवी बियर्ड सूट करेंगे, ये स्टाइल्स आप पे सूट करेंगे। अब आपको पता है कौन से फेस पे कौन सा बियर्ड स्टाइल जाएगा, अब आपको स्टेप बाय स्टेप घर पे कैसे इजीली बियर्ड में खुद ट्रिम करता हूँ, सेट करता हूँ, समझाता हूँ, तभी वो जो फेस शेप पे स्टाइल सूट कर रहा है वो निकल के आएगा, जॉ लाइन गेम स्ट्रांग लगेगी। अब क्या करता हूँ, पहले जो ऊपर की बियर्ड है लाइट रखता हूँ 1.5 से 2 नंबर, नीचे की थोड़ी हैवी 3 से 4 नंबर, और उसके बाद जो मुस्टैश मूंछों के ऊपर और जो नीचे वाले लिप्स पे गिरते हैं उसको सीजर से काट देते हैं। सेंटर की बियर्ड हमेशा हैवी रहते हैं एज कम्पेयर टू योर साइड बियर्ड, साइड का जो कट है दैट इज पैरेलल टू योर लिप्स, और जो नीचे और बाहर वाला कट लगता है उसको आधे से 1 इंच नीचे रखते हैं जॉलाइन से, तभी आपकी जॉलाइन स्ट्रांग लगेगी।
इसके लिए आपको बेसिक इक्विपमेंट और एक अच्छा ट्रिमर चाहिए घर पे। अब अच्छे ट्रिमर के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि भाई वो टॉप 11 जो बनाते हो 10 बनाते हो इस पे बनाओ। बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है लेकिन क्योंकि हम बियर्ड के ऊपर बना रहे हैं तो जेन्युइनली जो मैं यूज करता हूँ एक पर्सनल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। ST 3500 के सिस्का का है वो यूज कर रहा हूँ और क्या होना चाहिए एक अच्छे ट्रिमर में वो भी बता देता हूँ। बिफोर बाइंग आपको जो दिमाग में रहना चाहिए डिफरेंट लेंस सेटिंग, मैंने बताया ऊपर कम नीचे हैवी रखनी है, डिफरेंट लेंस सेटिंग्स होगी तभी हो पाएगा। मेरे में 20 डिफरेंट लेंस सेटिंग्स है। और क्या वॉशेबल होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए तभी वो साफ रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, स्किन पे कोई रैश और एलर्जी नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए तभी वो हैंडी रहेगा। और लास्ट हाँ, क्योंकि अगर चार्जिंग के बाद वो वायरलेसली आप यूज कर पाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वायर अड़ती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। 120 मिनट तक मैं इसको पर्सनली यूज कर पाता हूँ चार्जिंग के बाद। अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो हर 7 से 10 दिन में आपको उसको सेट कराना है चीक से, और नीचे से जो बीच की बियर्ड है वो शार्प और प्रोमिनेंट लगेगी। और याद रखना है आपको बहुत घना बढ़ाना नहीं है, जहां पैच है बहुत कर्ली हो जाती है तो क्या होता है वो पैच अलग से निकल के आता है। अगर आपके छोटे पैचेस है तो आपकी काजल पेंसिल वाली हैट ट्राई करिए, बहुत मॉडल एक्टर करते हैं, मैंने पर्सनली करी है, बहुत नेचुरल लगती है। हल्का सा उसको पेंसिल लगाए, उसको मर्ज करे, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, बियर्ड लगेगी। अगर आपके बड़े पैच है तो ये नहीं कर सकते, बड़े पैच के लिए आप ये स्टाइल्स ट्राई करिए। आपको क्या करना है, साइड लाइट, और आपको गोटी रख सकते हैं, सिर्फ गोटी रख सकते हैं आप, और साथ ही साथ क्या आप एजेस पे और सेंटर पे बियर्ड रख सकते हैं। और ये सारे आप बियर्ड स्टाइल जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फाइनल आउटर शाइन और केयर के लिए क्या करता हूँ, जब नहा के आता हूँ उसके बाद क्या होता है, कोई भी अगर कहीं जाना है पार्टी में उस दिन क्या होता है, अपने बियर्ड को सेट करा, हल्का ड्रायर लिया, उसको कोल्ड पे रखा, हीट पे नहीं, और कोई भी अपने कोम से हल्का सीधा स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद 1 से 2 बूंद ऑलमंड ऑयल उस पर लगा लेता हूँ फॉर द शाइन। अंदर तक नहीं लगाना, जस्ट बाहर बाहर लगाना है। स्किन अगर आपकी एक्ने प्रोन है तो आपको कोई बियर्ड ऑयल लगाना है जो केमिकल फ्री हो। तो ये सब कुछ था बियर्ड के बारे में। और हाँ, जो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, अमेजोन पे भी है और सिस्का की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली प्राइस था 2499, डिस्काउंट के बाद 1820 रुपये पड़ेगा आपको अप्रॉक्स। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अगर हाँ सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।